सो जा तू हॉस्पिटल से पर ठीक है भाई। हाँ भाभी आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हो गई, शुक्र आपने बच्चे संभाल रखे थे। फुल व्लॉग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाकर देखो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 3 व्लॉग आएंगे मस्त मस्त मजेदार, जल्दी जाकर देखो। पांच कई दिनों के बाद ये कौन सा चाहिए ऊपर कवर जा रही है ये देखो। बाय जैद, बाय 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 तुहा, बाय बाय आयान, बाय बाय बाय। जाग रहे तू, बस हो रही है और आयान भी जाग रहे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करते हो आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम वेलकम बैक बड़ी खुशी से कर रहे हैं, क्योंकि अब आने वाली है पायल घर पे। उसका जो डिस्चार्ज है हॉस्पिटल से वो हो गया है, तो चीकू के पापा लेके आने वाले हैं पायल को। गाय यहाँ पे मुस्कान सुला रही है जैद को, और मुकुल यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, साथ में मैं भी देख रहा हूँ। क्या पता क्या चलाएगा, क्या चलाएगा भाई, ये तो बताते। छोटा छोटा भी बच्चों वाले गेम देखते हैं, तो छोटे बच्चे गेम वाले खेल रहे हैं। चल सो जा फिर। गाइस अभी ना पायल चाची जी घर पे आ रहे हैं, चाचू जी लेने गए हो, आके मिलवाते हैं आपको पायल चाची जी से। और भाई मुकुल क्या करोगे अब? कब? अब तो मैं ये देख, ठीक है देख लो। गाइस अभी पायल को छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से पर ठीक है भाई। हाँ भाभी आप बताओ कैसे हो? मैं ठीक हो गई, शुक्र आपने बच्चे संभाल रखे थे, नहीं तो पागल हो जाती अकेली। पागल तो वैसे ही हो जा बोल बोल के। अभी हम हो गया रेडी घर जाने के लिए, और पापा जी अभी आया पूछने के लिए आज जाओगे या कल जाओगे। पापा जी आप बताओ, तुम बताओ। 6 बज गए, मैं भी मम्मी को ये कहता 6 बज गई, कल चलते हैं। और क्या, अब रास्ते में पता नहीं जहाँ मैं, बारिश है, पानी भर रहा है, तो आज घूमने चल पड़ते हैं फिर। तो गाइस मम्मी जी भी फुल रेडी होकर बैठे हैं, बैग बुक पैक करके, फुल रेडी हो, बिल्कुल मुस्कान में फुल रेडी है। चलो हैं मुकुल यहाँ पे खिला रहे जैद को, और मुस्कान आप कर रही है सुबह का लंच। लंच ही है, इवनिंग होगी 5-7 बज गई, देख ले। हाँ कर ले जैद जा ले आज, जा ले। अब मम्मी जी आयान को सुला रहे हैं। भाई मैं सही कह रहा हूँ ना, 15 मिनट में तो वो आएगी। आ गई, सुन 7 बज गई। हाँ तो पहुँचेंगे 10 बजे। हाँ क्यों, फिर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, रात को सो जाएंगे, सुबह स्कूल में आ जाएंगे। गाइस अभी कसम कुछ ऐसे हम जा रहे थे यहाँ से, गाड़ी में बैठ भी गए तो रात देर से पहुंच गए, और ये देखो पानी का भाव यहाँ पे, ये देखो गाइस यहाँ पे टूटी हुई है नहर, तो पानी देख लो आप, पानी का पूरा रोड बंद कर रखा है। अम्बाला से हांसी दिल्ली तो पूरा बंद है, अम्बाला भी पूरा बंद है। अब क्या करें, अब घर पे एक बार करते हैं फ़ोन, पूछते हैं कहाँ पे है वो, क्या मतलब और कोई रास्ता खुला मिलेगा, नहीं मिलता। हम पहुँच गए यार वापिस से अपने घर पर, तो अभी चलते दोबारा से ऊपर, दोबारा सरप्राइज दे देना। लो क्या ऐसे कह देना वेलकम बैक, आगे आगे लिफ्ट, आगे लिफ्ट, आगे चलो बैठो अंदर। क्यों क्या हो गया? क्यों तबीयत खराब है? रात सुबह सोती तो 12 बजे तक है। हाँ रात को सोती 3 बजे है। हाँ ऐसे नहीं 11 बजे सो जाऊँ, हम पूरे 12 बजे सो जाते हैं। कल तुम 12 बजे आए तो नहीं है, तो पापा ने पूछा के चलो जल्दी चलो सरप्राइज देते हैं। चाची जी वेलकम बैक, वेलकम बैक टू द व्लॉग। दोबारा आगे से जिम्मे के लिए मैं नहीं कहता था, मैं भी आई थी, मैंने क्या कहा था सोच लेना, कहा था ना, कहा था मैंने, ये सोचा था मैं जाकर आराम कर लेंगे। नानी भी अभी ब्लॉग में बोला, मैंने कि भाभी की वायरिंग हो रही थी इन्वर्टर में, तो भाभी अर्जेंट काम के लिए गई, क्योंकि घर पे भी बहुत बारिश आ गई थी, घर भी फिर छत वत भी लीक होती है ना। इसका मुंह देख लो अभी से, अभी तो भाई दिन देर का सोना पड़ा है, क्यों क्या घर से निकल पूरे बोलने लगी थी, सिर मदर आती है ढीली होगी, दवाई खा ली उठा, कोई ना कोई बीमार है ना। देख चाची के पहले जाड़ पे स्वेलिंग आई हुई थी, अभी भी है अभी भी। शक्कर
जब मुकुल ना जायद को खिला रहे, छोड़ दे भाई, अब तो पूरा दिन तो खेलते इसके साथ। ओ, कल जाना वैसे पूरा दिन खेलते रहते हैं। लाइट बंद कर लो, वेट कर रहा है डराने के लिए। रात को मुंह धोने ना गंदगी होती है ना, सारी निकल जाती है सुबह की, तो सुबह जो मुंह धोते हैं ना वो साफ रहते हैं उससे। फिर तो आप भी करें मम्मी। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मजेदार होने वाला है। हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर करते हैं थोड़ी जिम। अभी का सीन कुछ ऐसे, सुबह के बज गई है 10 और अभी हम रेडी हो गए घर जाने के लिए। हमारी कैब भी आ रही है यहाँ पे, अभी पी रहे सभी चाय। मुकुल अपनी चाय पी रहे हैं, मेरी चाय रखी, मुस्कान अपनी चाय पी रहे, मम्मी अपनी चाय पी रहे। चलो जो रेडी कर, बाय। तो गाइस यहाँ पे जैद और तूबा, जैद जाग रहे हैं, तूबा सो रही है और अयान भी जाग रहे हैं। ए जैद, तो यहाँ पे अयान खेल रहे हैं, अच्छा रोने लग गया रेडी। और अभी जा रहे हैं चाय वाय पी लिया, हमारी कैब भी आ गई है, चलो चलते हैं। आ जाओ, बाय बाय जैद, बाय 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 तूबा, बाय बाय अयान, बाय। जा रहे हैं अपने घर आज हांसी, तो आपको मिलते हैं हांसी में। यहाँ पे सारे रेडी हो गए हैं। हाँ देख, ठीक है पापा जी, बाय बाय बाय। तो भाई यहाँ पे डांस कावड़ जा रही है, ये देखो देखो मम्मी और हरे पीछे, मुकुल और हम यहाँ पे खड़े हैं। सारे के पैग ये कौन सा चाहिए ले ऊपर ऐसी, ठीक है। तो इन्होंने सारे कपड़े इन्होंने खिंडा दिए थे, अब पैक कर रहे हैं। कल अभी हम जा रहे हैं रोटी लेने, क्योंकि घर पे तो बनाई नहीं मम्मी ने, क्या रे बहने बनाते रोटी बन जाएगी, तो वो बनानी चाहिए। चाय अब बर्तन चाहूंगी, फिर 4 तो बज गए, सारे 4 बजे जाऊंगा ट्यूशन के लिए, बिल्कुल नहीं जा रहे। हम वो से पूछते ट्यूशन जाएगा या नहीं जाएगा, वो तुम्हें ना कर देते। मम्मी जी एक बात पूछनी है, स्कूल की कल सैटरडे है, कल जाऊं या सीधा मंडे जाना शुरू करूं? कल छुट्टी बेटा, शिवरात्रि कल। हां भूल गई, कल शिवरात्रि कल छुट्टी है, कल हमारे परसों अपना 2 दिन में अपना काम कंप्लीट कर ले, जो पीछे कपड़ा है से जाना शुरू कर दे। चाय बना ली? चाय बन रही है। तो गाइस देखो अभी हमने आते ही नहीं, ये सामान इधर फैला दिया, सारा निकाल दिया है। और आपको एक बात और बताती हूँ, अपना घर अपना ही होता है, झोपड़ी हो उसे में मजा आता है। हम कहीं भी चले जाएं, रिश्तेदार में, घर में, परिवार में, अच्छी महलों में चले जाएं, मन किसी का नहीं लगता है। और ये आने के बाद अलग से सुकून मिलता है अपने घर में। अब मैं चाय बना लू ना, गैस इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है, वहाँ छोटी थी गैस, छोटा नहीं था वहाँ पे, हमारा नीचा था ना गैस, अपना ऊंचा है इसलिए। चल ठीक है चाय बना ले। और मैंने दीदी का फोन करके पूछा मैथ वाली के पास, मेरी दीदी आज कल से आऊँ या पर मंडे से आऊँ? दीदी कहते कल मेरे स्कूल की तो छुट्टी है, कल मैंने 3 बजे बुलाया है, तो आना तो आज ही हो, वरना तो छुट्टी के लिए मंडे से आ जाइयो। ना जाना बेटा, मैथ कंप्लीट करना है, पीछे से मैथ का तो करना ही कितने ठंडे हो जाएंगे, ठंडे क्यों हो जाएंगे, छोले डालने जल्दी 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 2 कटोरी ले आइयो चटनी की, और तेज बोल जल्दी 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 भाई। हाँ? अपने घर में ना मैं ना सबसे फास्ट इंग्लिश बोलता हूँ, इंग्लिश 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 इ
मैं हिंदी बोल सकता हूँ, हिंदी 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 असली में हिंदी 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 दर्द होगा तो क्यों दाना निकल गया आज फिर मुंह पे ले आओ अभी तो क्या टाइम हो रहा है टाइम हो रहा फोन पे फोन फोन पे फोन मैं तो ट्यूशन मैंने मम्मी से पूछ ली क्यों बताऊं क्यों काम तो पता ही नहीं तो गए यहाँ पे हमने निकाल दिया सारे छोले भटूरे अब नीचे बैठ के खाएंगे आराम से हाँ प्यार से दीदी को भी आज ट्यूशन नहीं भेजना क्यों क्यों क्या काम क्या पता नहीं मम्मी क्या है मम्मी कह रही जाओ हाँ मम्मी मम्मी तो ऐसे सोच रही है जाओ निकलो छुट्टी मानी जरूरी नहीं है हम लेके आए थे 10 भटूरे 5 रोटी और दाल और छोले लेकिन ना मेरे भाई मेरी बहन और मेरी माता श्री जिनसे एक भटूरा पूरा नहीं खाया गया मेरी मम्मी ने तो आधा खाया और मेरे भाई ने एक और आधा खाया इसने तो एक खाया सबसे ज्यादा मैंने खाए पूरे 2 भटूरे फिर मेरा ना थोड़ा सा छूट गया था बस मेरे पेट वो भी मैंने पूरा खाया 2 और आधा हो गए निकाल ले मेरे पेट में जगह नहीं रही थी थोड़ी 1.5 भटूरा इसने खाया तो गाइस 2.5 भटूरे मैंने खाए 1 भटूरा इन्हें खाया मम्मी इतनी लालची हो रही है थोड़ा सा भी कौन दे सकती बाहर मीठा खाना नहीं जाना चाहिए हां स्कूल में मीठा खाना नहीं चाहिए चलो चलो निकलो तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ट्यूशन में आके मिलते निकलो निकलो काम फारी करेंगे हम अपना घर का चलो पुर पुर दबंग 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 मम्मी कहना कहना हुर लो मम्मी एक मार दो थोड़ा खा के बच्चे चले गए हैं ट्यूशन पे दोनों मुकुल भी और मुस्कान भी मैंने कुछ सामान तो सेट कर दिया घर का कुछ अभी रह रहा है सामान सेट करने के बाद झाड़ू लगा के फिर मैं क्योंकि अपने घर में आके ही बंदा फ्रेश होता तो मेरा फोन चार्जिंग लग रहा है बैठक में भाई भाई वाले को फोन कर दो भाई फिर टांग दे अपना हटवा दूं हां ठीक है रिश्ता करवा लेंगे साथ वाले गले में अंकल जान के अपने चल कोई बात नहीं फोन ले या फोन पर बात करते हैं अंकल से कह देंगे एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाए उसे टाइम बंद कर दे वहां भाई तेरे बंदा किधर गया हो कुछ और की काम लग रहा हो पैसे ना करवा पाए तो बंद कर देता है बंद कर देता है और वैसे एडवांस पैसे जाते हैं वाईफाई वाले के पास तो गई अभी कैसे कुछ ऐसे अब मैं ट्यूशन से आई थी आके मैंने मुआ धो के यहाँ पे कर दी है पूजा यहाँ पे मम्मी नहा के अभी रेडी हो गई है कहाँ जा रहे हो कहीं कौन जा रही बेटा आज नहाई कौन थी सुबह वैसे भी ना नहाई आ गई थी और आके इतनी सफाई करी तो नहाना सिर धोना बहुत जरूरी था क्योंकि अपने घर में जो सुकून मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता बाहर आप क्या कह रहे थे मैं ट्यूशन से आई थी इतना मोटा तो गई हमारे घर में ना इस कमरे में से मैं जैसे ना सफाई करके सारी यहाँ पे बैठ गई थी तो इतना मोटा मुस्सा निकला यहाँ से आगे देख कर वापिस लगा तो उसके बाद क्या करा फिर वापिस आए तो मैंने इसका फटाफट दरवाज़ा बंद कराया इधर ये पायदान लगाए हैं इसके नीचे से लगा था बैठ के नीचे तो मैंने ना इतना तो मेरा यहाँ से मैंने एक बार निकाल दिया था बाथरूम में घुस गया उसके बाद पता नहीं लग रहा कहाँ है और कल ना पूरी अलमारी मुस्कान की जो टूट रही है इसमें क्या करा मुझसे चले भी गए हो क्या नुकसान कर रखा क्या नुकसान नहीं मेरा मुस्कान और कल मैं सारी ना चेकिंग करनी पड़ेगी वो तो और मेरे जब टेंशन होगी मैं तो 100 रुपये सब सारे बार काट दिए मुझसे है काम बहुत नुकसान कर दिया होगा मुस्कान मन लग रहा मोटा है पड़ रहा पूरा मेरी अलमारी का तो हो जा पाएगा सारे नए नए कपड़े रखे हैं हाँ नई चादर तकिए कवर लग रही बुक वगैरह भी तो रखी है मेरा ऊपर चढ़ा की चढ़ा मैंने इतना तो ले रहा हूँ पता ही तो बाज जाता हाँ। अब फिर उसके बाद गायब भी हो गया वो चलो देख से लेते अभी हम जा रहे हैं ड्रायर लेने पैसे हमने ले लिए जो कि ड्रायर की ड्रायर से ना बाल पहले सेट होते थे अब नहीं ओ पहले तो बड़े बाल थे ना तेल लगा के और जेल वुल तो हमने आज तक लगाए नहीं तो बाल सेट हो जाते थे यहाँ पे मुस्कान आटा गूंद रही है गूंदने अब छोटे बाल हो गए सेट नहीं होते ड्रायर से ना बाल सही हो जाएंगे ठीक है जड़े मंद हो जाएंगे कभी कभी तो गाइस अभी आ गए ड्रायर मैंने ड्रायर ले लेते हैं फिर देखो देखते हैं पहले कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा तो गाइस अभी दूसरी शॉप पर आया ड्रायर देखने वो ड्रायर पसंद नहीं आया तो अभी दूसरा देखते हैं ड्रायर पसंद नहीं आया तो अभी घर जा रहे हैं वापस से कल आएंगे कल देखेंगे आज तो रात हो रही है वैसे मार्केट पूरा बंद होगा दोस्तों सारी दुकानें बंद होगी कल आएंगे गाइस अभी ना रात के 12:11:20 हो गए अब मेहंदी लगा रहे कौन सा दिन कौन सा टाइम है मेहंदी लगाने का काम कितना करे घर का अच्छा कितना काम हो गया सारा काम कंप्लीट करके फिर यानो को मम्मी एक हाथ का लगवा ले मैंने शिवरात्रि है इसलिए हां लगा लो कुछ यानो का एक हाथ का लगवा ले जाता मगर ले लगा दे और हमने खाना वाना खा लिया सारा काम कंप्लीट हो गया तो गाइस आज की वीडियो पर यहीं एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जब तक के लिए नमस्कार बाय बाय गुड नाइट
आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, माँ शिवरात्रि, सभी को हमारी फैमिली की तरफ से हैप्पी शिवरात्रि।